और चलिए इस बीच धार से एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। बड़ी खबर धार से आपकी टीवी स्क्रीन पर, डैम में नहाने गए दो बच्चों की मौत की खबर। बच्चों की मौत के बाद परिवार वालों में मातम पसरा हुआ है। डैम में डूबने से दोनों बच्चों की मौत हो गई है। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची है, घटनास्थल का जायजा लिया जा रहा है। बच्चों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए पुलिस भेज चुकी है। मौके पर पुलिस पहुंची, मामले की तफ्तीश शुरू है। मातम पसरा हुआ है घर में, क्योंकि दो बच्चों की मौत के बाद इलाके में भी दहशत का माहौल है। डैम में नहाने गए थे ये दोनों बच्चे और उसी वक्त डूबने से दोनों ही बच्चों की मौत हो गई है। पुलिस की टीम को सूचित किया गया, पुलिस की टीम मौके पर पहुंच चुकी है और पूरे मामले की जांच चल रही है। लेकिन इस मौत के बाद परिवार वालों में मातम पसरा हुआ है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि दो बच्चों की मौत के बाद से परिवार का बुरा हाल है। डैम में नहाने गए दो बच्चों की मौत की खबर धार से सामने आई है। लगातार ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर धार से, जहां डैम में डूबने से दो बच्चों की मौत की खबर है। और बता दें आपको कि पुलिस की टीम को जैसे ही सूचित किया गया, पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और मौके पर पहुंचने के बाद अब इस पूरे मामले की छानबीन चल रही है। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। बताया जा रहा है कि दोनों बच्चे डैम में नहाने गए थे और उसी वक्त डूबने से इनकी मौत हो गई है। दोनों ही बच्चे हादसे का शिकार हुए हैं। हालांकि पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई शुरू करेगी। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम के लिए दोनों के शवों को भेजा गया है और अब मामले की आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। योगेंद्र शर्मा इस वक्त फोन लाइन पर हमारे संवाददाता मौजूद हैं। योगेंद्र, क्या पूरा मामला है और इस वक्त क्या स्थिति? जी, कुक्षी के पास एक चिकली का मामला होता है, जहाँ पे स्टाफ रूम बना होता है। वहाँ पर जो बच्चे होते हैं वो नहाने के लिए गए होते हैं, क्योंकि अधिकतर क्या होता है गाँव में जब पानी भर जाता है तो छोटे बच्चे है जहाँ पर पानी भरा होता है वहाँ पर नहाने चले जाते हैं। ये दोनों बच्चे जो स्टाफ डे मनाता वहाँ पर नहाने गए थे और नहाते समय इनकी डूबने से मौत हो गई है। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंच गई है। दोनों बच्चों की उम्र 11 से 12 वर्ष के बीच में ही है। जी शुक्रिया योगेंद्र तमाम जानकारी के लिए।